हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेशन ट्रैकिंग यूजिंग HTTP सेशन। तो ये जो टेक्निक है सेशन को ट्रैक करने के लिए, दैट मीन्स स्टेट को मैनेज करने के लिए, ये हमारी टेक्निक्स में से चौथी टेक्निक है जिसको हम लोग सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कुकीज़ यूज़ किया था सेशन को ट्रैक करने के लिए, दैट मीन्स स्टेट को मैनेज करने के लिए। और दूसरा तरीका हम लोगों ने यूज़ किया था URL रीराइटिंग। फिर हम लोगों ने यूज़ किया हिडन फॉर्म फील्ड्स। और अभी हम लोग को सीखना है कि हम लोग सेशन ट्रैकिंग करेंगे कैसे HTTP सेशन की हेल्प से। ठीक है, तो ये हम अचीव कैसे करेंगे HTTP सेशन की हेल्प से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली लेटेस्ट ऑसम वीडियोस मिलती रहें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि सेशन क्या होता है और सेशन कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, स्टेट को मैनेज करने के लिए। और गारंटीड अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सेशन के बारे में क्लियर कट नॉलेज हो जाएगा। फिर आप सेशन को यूज़ कर सकते हो लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए या कोई भी डेटा याद रखने के लिए सर्वर पे क्लाइंट का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेशन क्या होता है। तो जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, सेशन मीन्स सिंपली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे लिखा है स्मॉल, मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ भी चीज़ें, थोड़ी देर के लिए कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है, उसमें हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, बट वो थोड़ी देर तक ही रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे स्टेट को मैनेज करेंगे HTTP सेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्वर है और इसी सर्वर पे हम लोग सारा काम करेंगे। सर्वर को मैं छोटा बनाता हूँ और कुछ सर्वर के कंपोनेंट्स मैं क्या करूँगा, इधर उधर बनाऊँगा। आप उसको ऐसा समझिएगा कि वो सारी चीज़ें सर्वर पे हो रही हैं। तो ये बेसिकली हमारा सर्वर है, यही इसी के अंदर हम लोग सारा काम करेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली सर्वर। और इस सर्वर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, इस सर्वर के अंदर बहुत सारे आप एप्लीकेशन भी बना सकते हो और एक एप्लीकेशन के अंदर आप बहुत सारे सर्वर बना सकते हो। तो बेसिकली हम ऐसा समझेंगे कि सर्वर के अंदर हमारा एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे सर्वलेट्स हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ सर्वलेट को बना देता हूँ आपके सामने। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्वलेट है S1। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक S1 सर्वलेट बना देता हूँ और इसके अंदर एक और सर्वलेट है S2। तो हमने क्या किया, एक हमारा ऐप है, ये लेट अस सपोज हमारे सर्वर पे एक ऐप है और हमने क्या किया है अपने सर्वर पे यहाँ पे दो, अब उस ऐप में हमने दो सर्वलेट बना लिए। अब जब मान लीजिए लेट अस सपोज हमारे पास एक क्लाइंट है यहाँ पे C1, दिस इज़ आवर क्लाइंट। और अगर इसने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी हमारी, फर्स्ट टाइम ये रिक्वेस्ट गई है सर्वर पे, इट इज़ Request 1। तो सेशन में होगा क्या कि ये सर्वर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे एक सेशन क्रिएट कर देगा। और अगर आप जावा समझते हैं तो सर्वर क्या करेगा, इस क्लाइंट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, और ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा HTTP सेशन। किसका ऑब्जेक्ट होगा, HTTP सेशन एक इंटरफेस है, ये उसी का ऑब्जेक्ट होगा। अब ये सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट है इस क्लाइंट के लिए, तो अगर इसने ये देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसकी एक आईडी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं सेशन की आईडी। और ये आईडी कुछ भी हो सकती है, बहुत बड़ी सी आईडी होगी, यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं और ऐसे करके बहुत बड़ी आईडी होगी। ये बेसिकली आईडी है क्लाइंट को याद रखने के लिए। तो जब आप यहाँ से सर्वलेट की हेल्प से जैसे ही आप रिस्पॉन्स जनरेट कर दोगे रिक्वेस्ट या Response 1, अब जब दोबारा आप इस पर रिक्वेस्ट भेजोगे, सेम क्लाइंट अगर दोबारा रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, तो अब दोबारा क्योंकि ये रिक्वेस्ट गई है 2, और इस समय सर्वर ने क्या कर रहा है, सर्वर ने Request 1 में ही क्या किया था, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया था। तो अब क्या करेगा, इस आईडी के थ्रू ये इस क्लाइंट को पहचान लेगा, क्योंकि वो आईडी कहीं ना कहीं कुकीज़ या फिर URL में आएगी कि भैया ये ऑलरेडी बंदा क्लाइंट पहले विजिट कर चुका है। तो ये नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, वो इसी ऑब्जेक्ट को बना के रखेगा और तब तक रखेगा जब तक आप या तो ब्राउज़र ना क्लोज कर दो, या तो आप ब्राउज़र क्लोज कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, या तो आप खुद इसे इनवैलिडेट कर दो तो ये गायब हो जाएगा, या तो इसका टाइम, अगर टाइम एक्सपायर हो जा रहा है तब भी ये गायब हो जाएगा। तो ये जब ये तीन ही सिचुएशन में गायब हो सकता है ऑब्जेक्ट इस क्लाइंट के लिए। सबसे पहला चीज़, या तो अगर आप ब्राउज़र क्लोज कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, और अगर ये क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा तो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सर्वर क्या समझेगा, सिंपल सी बात है कि नया क्लाइंट है, नई रिक्वेस्ट है, तो वो नया ऑब्जेक्ट बना देगा और इसकी आईडी बदल जाएगी।
या फिर अगर आप खुद से ही सपोज सर्वलेट वन पे आपने एक ऐसी कोडिंग कर दी, जैसे सर्वलेट वन चला इस आईडी इसको इनवैलिडेट हो गया, ये इस ऑब्जेक्ट इनवैलिडेट हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी आपने गायब कर दी, कोई भी डेटा भी रखा होगा वो भी आपने गायब कर दिया। दैट मीन्स आपने खुद से ही सेशन को हटा दिया, और अगर दोबारा बंदा भेजता है रिक्वेस्ट तो नया सेशन उसके लिए बनेगा। या तो इस सेशन का टाइम जितना समय होगा वो गायब हो जाएगा, समय ओवर हो जाएगा, तब जाके आपका सेशन गायब होगा। अदरवाइज बार बार रिक्वेस्ट भेजता जाएगा, और इस क्लाइंट को सर्वर क्या करेगा, इस आईडी के थ्रू पहचानता रहेगा और एक ही ऑब्जेक्ट मेंटेन रहेगा। उसी समय लेट अस सपोज यहाँ पे क्लाइंट टू है, C2, और इस क्लाइंट टू ने एक रिक्वेस्ट भेज दी, तो ये क्लाइंट टू की पहली रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि अब ये क्लाइंट टू की रिक्वेस्ट है, यहाँ से रिक्वेस्ट गई है यहाँ तक, तो ये क्या करेगा सर्वर, इसके लिए नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इसके लिए सेम HTTP सेशन का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फॉर क्लाइंट C2, और ये क्या होगा C2 के लिए सेशन की जो आईडी होगी वो कुछ और होगी यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस ऑब्जेक्ट में डेटा रख सकते हैं कोई भी, और ये तब तक डेटा रखा रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा, और मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट ये तीन ही केस में, तीन या चार केस में ही ये एक्सपायर हट सकता है, ऑब्जेक्ट डेडमेंट डिलीट हो सकता है। पहला आप या तो ब्राउज़र क्लोज कर दो, या सेशन को खुद इनवैलिडेट कर दो, या इसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा। कुछ लिमिटेड टाइम होता है, आप बढ़ा घटा सकते हो, सब मैनेज कर सकते हो, बट ये जो ऑब्जेक्ट होगा HTTP सेशन का, ये C2 के लिए बना रहेगा। आप रिक्वेस्ट भेज दोगे यहाँ से, आप रिस्पॉन्स यहाँ से भेज दोगे रिस्पॉन्स वन, फिर आप रिक्वेस्ट भेजोगे, फिर ये रिस्पॉन्स भेजेगा। जब तक ये रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, रिस्पॉन्स भेजता रहेगा, अगर इसने ब्राउज़र नहीं क्लोज़ किया, इनवैलिडेट नहीं किया हम लोगों ने, या फिर टाइम एक्सपायर नहीं हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट बना रहेगा। अब ये जो सिचुएशन मैंने समझाई, ये तो पूरा रियल टाइम सेशन पे बेस्ड सिचुएशन है, बट इसको हम लोग इसका फ़ायदा कैसे हम उठा पाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि आप इसका फ़ायदा कैसे अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो सेशन का। लेट अस सपोज यहाँ से नाम गया, और पहले रिक्वेस्ट में नाम गया है, और जैसे पहले रिक्वेस्ट में नाम जाएगा यहाँ पे क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, और हम लोग क्या करेंगे, अपना नाम की वैल्यू पेयर में इसमें रख देंगे। तो लेट अस सपोज नाम हमने जॉन रख दिया। अब इस जो ऑब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, इवन इमेज भी रख सकते हो, फोटो भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। जो डेटा आप रख रहे हो आपके सर्वर पे मेंटेन है, नॉट क्लाइंट। अब आपने रिस्पॉन्स भेज दिया, उसके बाद जब दोबारा ये रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट टू, उस केस में क्योंकि ये पुराना क्लाइंट है और अभी तक इसने ब्राउज़र नहीं क्लोज किया, हम लोगों ने इनवैलिडेट नहीं किया और टाइम एक्सपायर नहीं हुआ, इसका मतलब एग्जैक्ट वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंटेन है, बना हुआ है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट टू है तो कोई ना कोई सर्वलेट चलेगा, लेट अस सपोज सर्वलेट टू चला, और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नेम हमने वहाँ से रखा था वो नेम हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपली फेच कर सकते हैं, और ये जॉन मिल जाएगा। फिर हम रिस्पॉन्स भेज देंगे, और फिर से अगर रिक्वेस्ट थ्री हम लोग भेजते हैं यहाँ से, तो फिर से क्लाइंट C1 ही रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसका सिंपली मतलब है रिक्वेस्ट थ्री है, लेकिन क्लाइंट वन ही रिक्वेस्ट भेज रहा है, और अभी तक उसने ब्राउज़र क्लोज नहीं किया, इनवैलिडेट नहीं किया, टाइम एक्सपायर नहीं हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट वही का वही बना रहेगा, और हम फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेम निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर हम HTTP सेशन के ऑब्जेक्ट में कोई डेटा रख देते हैं तो वो डेटा रखा रहेगा जब तक सेशन एक्सपायर नहीं हो जाता, दैट मीन्स ये वाला ऑब्जेक्ट गायब नहीं हो जाता। तो ये वाला ऑब्जेक्ट तब गायब हो सकता है जब आप इनवैलिडेट कर दो। इनवैलिडेट मीन्स आप यहाँ पे एक बटन दे दो लॉगआउट की, जैसे लॉगआउट क्लिक करेगा बंदा रिक्वेस्ट जाएगी और हम लोग उसे क्या कर देंगे, इनवैलिडेट कर देंगे, तो खुद हम लोग यहाँ से सारे इनका डेटा सब हम यहाँ से हटा देंगे। दैट मीन्स कोई भी एट्रीब्यूट अगर बाउंड किए होंगे हम लोग तो उसको यहाँ से हटा देंगे। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें HTTP सेशन की हेल्प से बना सकते हो आप, पूरा लॉग इन सिस्टम बना सकते हो सेशन की हेल्प से, और बहुत सारी चीज़ें, कोई डेटा सेशन में रख सकते हो, कोई भी डेटा रख सकते हो, ठीक है, और काम एक्चुअली ऐसा ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, और हम लोग एक बढ़िया सा लॉग इन सिस्टम बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से यूज़र की ईमेल आईडी या यूज़र नेम और पासवर्ड लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे ही लॉगिन सर्वलेट पे जाएंगे वो नेम और पासवर्ड हम लोग सेशन के ऑब्जेक्ट में रख देंगे, और सेशन के ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग ईमेल पासवर्ड या नेम रख देंगे तो जब वही बंदा दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेशन का ऑब्जेक्ट अभी बना होगा, एक्सपायर नहीं हुआ होगा, तो हम लोग उसी ऑब्जेक्ट में से डेटा को हम लोग फेच कर सकते हैं, और हम लोग दिखा देंगे कि भैया अभी आप लॉग इन हो। जब क्लाइंट वन लॉग आउट करेगा, दैट मीन्स बंदा लॉग आउट करेगा, तो हम लोग सेशन को सिंपली एक्सपायर कर देंगे और हमारा लॉग आउट सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा।
तो फ्रेंड जावा में सेशन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक पैकेज में एक इंटरफेस है जिसका नाम है HTTP सेशन इंटरफेस। यही हमारा मेन इम्पॉर्टेंट इंटरफेस है सेशन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और ये पैकेज में है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक लाइब्रेरी है और इस इंटरफेस के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। जैसे आप दो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मेथड्स जो यूज़ होते हैं, एक है सेट एट्रीब्यूट मेथड। इसके ऑब्जेक्ट में कोई डेटा रखने के लिए, ये सपोज HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट है तो इसमें कोई डेटा स्टोर करने के लिए आप यूज़ करोगे सेट एट्रीब्यूट मेथड। मेथड मीन्स फंक्शन है, सेट एट्रीब्यूट मेथड। और इसको आपको दो चीज़ें देनी होती है, एक की देनी होती है और एक वैल्यू देनी होती है। और ये जो की होती है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी हमेशा, दैट मीन्स आप स्ट्रिंग दोगे। और ये जो वैल्यू होगी ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपकी इमेज हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, एरे लिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज हमने की में अगर पास कर दिया यहाँ पे एन और वैल्यू में पास कर दिया 3, तो ये इस सेशन के ऑब्जेक्ट में एन इज इक्वल टू 3 में आ जाएगी। दैट मीन्स ये की और ये वैल्यू। जब आपको इस वैल्यू को निकालना होगा तो आपको कहीं भी सर्वलेट वन सर्वलेट टू, तो आप इस सेशन के ऑब्जेक्ट पे कॉल करोगे गेट एट्रीब्यूट फंक्शन, गेट एट्रीब्यूट फंक्शन मतलब मेथड। और आप दोगे सिंपली की दे दोगे स्ट्रिंग वाली की, मतलब एन पास कर दोगे, ये आपको रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स 3 रिटर्न कर देगा। तो आप इसको टाइपकास्ट कर दो, सपोज आई में हम रख लेंगे, इसको टाइपकास्ट करके इसको यूज़ कर लेंगे। तो दो ये इंपॉर्टेंट मेथड है, सेट एट्रीब्यूट आपके सेशन के अंदर कोई डेटा स्टोर करने के लिए, दैट मीन्स एट्रीब्यूट्स को बाइंड करने के लिए, और गेट एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को फेच करने के लिए। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं, जैसे आपके पास सेशन की आईडी निकालने के लिए एक फंक्शन दिया गया है। आप देख सकते हो कि वो पुराना मेथड है कि पुराना आप देख सकते हो कि वो पुराना सेशन है कि नया सेशन है। आईडी के थ्रू आप आईडी सेशन के निकालने के लिए आप क्या कॉल कर सकते हो, गेट आईडी। तो गेट आईडी आपको आईडी दे देगा। इसी तरह बहुत सारे फंक्शन हैं, तो बहुत सारे फंक्शन हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मेथड है रिमूव एट्रीब्यूट। आप एट्रीब्यूट को यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो, रिमूव एट्रीब्यूट। तो आपको सिंपली क्या देना होगा, की देनी होगी, की स्ट्रिंग में। और अगर आप यहाँ एन पास कर दोगे तो यहाँ से वो क्या करेगा, सबको रिमूव कर देगा। और उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक और फंक्शन है इनवैलिडेट। इनवैलिडेट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनवैलिडेट क्या करता है, सारे एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देता है, सेशन को ऐसा कर सकते हो एक्सपायर कर सकता है। तो ये कुछ मेथड है सेशन एपीआई के जो हम लोग यूज़ करेंगे, और मैंने इनके काम भी बता दिए। और एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, ये सारे मेथड आप तब कॉल करोगे जब आप सेशन का ऑब्जेक्ट निकालोगे। सेशन का ऑब्जेक्ट निकलेगा तभी तो ये सारे मेथड्स यूज़ करोगे। तो सेशन का ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। जब आपका डू गेट या डू पोस्ट फंक्शन चलता है, मेथड चलता है, तो ये दो आर्गुमेंट लेता है। एक होता है हमारा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, और एक होता है HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। सर्वलेट रेस्पॉन्स जब हम लोगों ने सर्वलेट बनाना सीखा था तो सीखा था ये सारी चीज़ क्या होती है, एक रिक्वेस्ट से डेटा फेच करने के लिए होता है, दैट मीन्स रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए होता है, और दूसरा रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद रेस्पॉन्स देने के लिए ये वाला यूज़ होता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के पास एक मैथड है गेट सेशन का, गेट सेशन का मैथड है। आप क्या कर सकते हो, इससे सेशन को गेट कर सकते हो, तो ये हमें रिटर्न कर देगा सेशन। अगर पहले से सेशन बना होगा, दैट मीन्स क्लाइंट ऑलरेडी विजिट कर चुका है एक बार, सेशन बना होगा, तो ये पुराना सेशन रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे, HTTP सेशन टाइप के एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे। अब हम इस सेशन पे क्या कर सकते हैं, सारे ऊपर वाले फंक्शन, ऊपर वाले मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने फंक्शन सीखे थे। अब हम लोग इस सेशन पे क्या कर सकते हैं, एस डॉट सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट्स, एस गेट आईडी, इसकी एज बढ़ा सकते हैं, और हम लोग इनवैलिडेट वगैरह कर सकते हैं। किस पे, इस एस पे, इसके अंदर हमारा सेशन स्टोर है, सेशन का रेफरेंस। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी पास कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स।
ट्रू अगर आपने पास कर दिया, इसका मतलब आप चाह रहे हो नया सेशन, न्यू सेशन बनाना चाह रहे हो, न्यू सेशन, तो ये नया सेशन बनाएगा, दैट मीन्स उसकी आईडी नई होगी। और अगर आपने फॉल्स पास कर दिया, दैट मीन्स ये नया सेशन न्यू सेशन नहीं बनाएगा, पुराना सेशन देगा, अदरवाइज सेशन नहीं होगा तो ये नल रिटर्न कर देगा। तो आप ये मैथड ओवरलोडेड है, अगर आप कुछ नहीं पास करोगे, कुछ भी नहीं पास करोगे, तो ये क्या करेगा, पुराना सेशन रिटर्न करेगा, अगर पुराना बना होगा तो पुराना रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये नया रिटर्न कर देगा। और ट्रू मतलब वी आर फोर्सिंग फॉर क्रिएटिंग अ न्यू सेशन, और फॉल्स मतलब हम लोग ये फोर्स कर रहे हैं कि आप नया सेशन क्रिएट मत करो। तो मोस्टली हम लोग यही यूज़ करते हैं, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन और ब्लैंक पास कर देते हैं। इससे होता है अगर सेशन बना होता है तो वो वही वाला सेशन मुझे रिटर्न कर देता है, और अगर सेशन नहीं बना होता तो ये पुराना सेशन बना के रिटर्न करता। तो सिंपली आपको यूज़ यही करना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, सिंपली ब्लैंक, आपको तुरंत सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उस पर आप एट्रीब्यूट सेट करिए, गेट करिए, और जब तक ये सेशन एक्सपायर नहीं होगा तब तक आप क्लाइंट के लिए डेटा को स्टोर करिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली और डीपली समझा कि सेशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे और एक बार और समझेंगे कि सेशन कैसे वर्क कर सकता है और हमारे लिए सेशन क्यों इतना यूज़फुल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि ये यूज़फुल जो कॉन्सेप्ट हैं आप समझ पाएँ, बाकी लोग भी, अपने आपके फ्रेंड्स भी समझ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।